हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या सभी के सभी तो वेलकम है अपनी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो भी काफी मजेदार और बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जो अपनी न्यू एक्सूट है वो अपना बदला लेगी पुराना जो भी उसके पापा का था, और वो कैसे होगा क्या करेगी वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। वो जोकर इस मैप से बाहर जा चुका है, अब कुछ दिनों बाद ही वापस आएगा, मतलब हमारा रास्ता साफ है। ये तो काफी बढ़िया खबर है, तो मतलब अब हमारा काम हो सकता है। मगर एक मिनट, उसके घर में और भी तो फैमिली मेंबर्स हैं। कौन? वो एंजल ना, वो अपनी बेटी को इस टाइम पर स्कूल लेने जाती है और उसका बेटा घर में अकेला होता है। तुम्हें उस एंजल को रोकना होगा, तब तक मैं उसका डीएनए ले आऊंगी। अच्छा ये बात है, ठीक है फिर, तुम फिक्र मत करो, इस काम के लिए मेरे पास एक बंदा है। मगर तुम उसके बेटे का डीएनए आखिर लोगी कैसे? अफसोस कि उसके बेटे को पावर्स यूज करनी नहीं आती, इसमें मेरी ही आसानी है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है फिर, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और हाँ, अगर तुम्हें अपने पापा का बदला भी लेना है तो चाहे तो तुम उसे मार भी सकती हो। मुझे उसके बेटे को नहीं, उसके पाप को मारना है, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा और पापा की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। तो टाइम हो गया है, वो ऐना को लेने जा चुकी है और यही मेरे पास सही मौका है। हाँ लगता है घर में कोई नहीं है, ऊपर जाकर देखती हूँ। हाँ ये क्या, यहाँ भी नहीं है और ना ही यहाँ पे, आखिर गया कहाँ वो? ओहो देखो तो कौन आया, मेरी बहन की एक धोखेबाज दोस्त, जिसको इतना भी नहीं पता कि किसी के घर में एंट्री मारने से पहले परमिशन ली जाती है। मुझे उस दिन लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैंने ऐना की बात सुनकर इग्नोर किया। पर आज ये सब देखने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम उसका सिर्फ यूज कर रही थी। हाँ बस थोड़ा बहुत, मुझे जानकारी चाहिए थी तुम लोगों के बारे में, इसीलिए मैंने उसे चारा बनाया अपना। ओ तो जानकारी इकट्ठा कर रही थी हमारे बारे में, तो अब चुपचाप ये भी बता दो कि ऐसा क्यों कर रही थी। सच पूछो तो मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारा ब्लड ले सकूं, और वो भी तब जब तुम्हारे अलावा घर में कोई ना हो, ताकि मैं आराम से तुम्हारा ब्लड ले सकूं। अच्छा तो तुम्हें मेरा ब्लड डीएनए चाहिए? सॉरी वो तो तुम्हें आज नहीं मिल पाएगा, और अगर तुम्हें चाहिए था तो दो तीन लोग और साथ में लेके आती। तुम जैसी एक नाजुक लड़की मेरा ब्लड डीएनए लोगी, वो भी बिना मेरी मर्जी के। नहीं हो पाएगा तुमसे। तो तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो, चलो तुम्हारी इस खुशफहमी को दूर किया जाए। इतना जोरदार जो तो लगा था ये नॉर्मल लड़की है, पर इसने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी। पता नहीं आज आरोही क्यों नहीं आई, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, इसी वजह से आज नहीं आई होगी। अरे आज तुम यहाँ अकेले खड़ी हो, तुम्हारी वो दोस्त नजर नहीं आ रही आरोही। पता नहीं मम्मा वो आज क्यों नहीं आई, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, तभी शायद वो आज स्कूल नहीं आई। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है घर जाकर उसे कॉल कर लेना और खैरियत मालूम कर लेना उसकी। हाँ मम्मा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं घर जाकर पूछ लूंगी उससे कॉल करके। चलो घर चलते हैं। मम्मा ये रास्ते के बीच में कौन खड़ा है? अब ये कौन है?
आप क्या जानती हैं मम्मा इसको? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। ओ अच्छा, तो तुम एक एक्सूट हो। तभी सोचूं कि एक कमजोर सी लड़की इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकती है। तुम चुपचाप अपना ब्लड दे रहे हो या मैं अपना तरीका आजमाऊं? हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरे ब्लड से आखिर तुम लोग करने क्या वाले हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं सही सलामत हूँ वो तो तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा, तो यही सही। आजमा लेना, पहले इससे तो बचो। ये क्या? उप्स, ये क्या हुआ? सारी गोलियां खत्म, अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? ये क्या? हाँ, अब कहाँ गया ये? भाग ले जहाँ भागना है, लेकिन आज मुझसे तू नहीं बचेगा। तुम लोग चलो अब चुपचाप नीचे उतरो, जल्दी। एना, गाड़ी से मत उतरना जब तक मैं ना कहूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या? वो दूसरी लड़की कहाँ गई अचानक? अरे अभी तो कार में थी, आखिर गई कहाँ ये? हाँ, ये कहाँ गया अचानक से? इस पर मैंने इतने जोरदार हमला किया था, अचानक से ये कहाँ गया? कहीं ये एना के पास तो नहीं? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। हाँ, ये क्या? ये सब कुछ गाड़ी चुराने के लिए किया? मम्मा, आप उसे रोकेंगी नहीं, वो हमारी गाड़ी लेके जा रहा है। जाने दो उसे, उसे बाद में देख लेंगे। ये क्या? की तो लगता ऐसे भागने नहीं देगी है। अब कहाँ जाओगे बचकर? जब तक स्कूल से मम्मा नहीं आ जाती, मुझे इसको उलझा कर रखना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे इससे फाइट करनी होगी। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं सोच रहा था कि भागने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो इसीलिए क्यों ना तुमसे लड़ाई ही कर ली जाए, और अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। बेवकूफ कहीं का, मुझसे उलझ रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जानते नहीं हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं जानती हूँ तुम लोगों के बारे में बहुत अच्छे से, और यकीन जानो ये सब जो भी हो रहा है वो तुम लोगों के लिए ही हो रहा है। आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? इतना टाइम नहीं तुम्हें बताने का, अब बस हिलना मत, मुझे तुम्हारा DNA लेना है। छोड़ूंगा नहीं तुमको, देख लूंगा। चलो, काम तो हो गया मेरा, अब फिर मुलाकात होगी। बाय बाय छोटे जोकर। मम्मा, उधर देखिएगा, वो भैया है क्या? हाँ, ये तो वही है, मगर इसे हुआ क्या? बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने जख्मी कैसे हुए? एक काम करते हैं, पहले से घर लेकर चलते हैं। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। एना, एक काम करो, तुम अपने पापा को बुलाओ घर में जल्दी, मैं तब तक इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ उन्हें कॉल। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो।
हेलो, हाय ना, बोलो। पापा, एवेंगल में यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भैया पर किसी ने हमला किया है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप जल्दी से एवेंगल आ जाइए। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी से। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा और वो भी बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो मिस मत करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जिन भाई ने इस वीडियो में हेल्प करी, भाई सभी का थैंक यू यार वीडियो में काम करने के लिए। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। I'm gonna go get some more.